भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने जो पैसा दिया, वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खप गया। अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उपयोग देश की पूंजी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण पर खर्च होनी चाहिए। मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है एक और, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है, वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थायी विकास और स्थायी समाधान को सामान्य मानवी का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए, आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कह रहा चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे, तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे।